केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। कांग्रेस इस अभियान के कई वीडियो जारी कर रही है जिसमें हजारों लोग पैदल चलते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आम लोगों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। इस दौरान नियम कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केरल हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपत्ति जताई है। केरल में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जिन रास्तों से गुजर रही है वहां का नज़ारा ही बदला बदला नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े झंडे पोस्टर बैनर नजर आ रहे हैं। यात्रा के दौरान ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है, इसके बावजूद राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। केरल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है और कई गंभीर सवाल उठाए जिनका जवाब प्रशासनिक अधिकारियों के पास शायद नहीं था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मामले में सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा है कि इस पर पुलिस और अन्य अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी है। मामले पर जस्टिस देवन रामचंद्रन की एक बेंच सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि त्रिवेंद्रम से त्रिशूर और इससे आगे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक खास राजनीतिक दल की तरफ से चीज़ें अवैध रूप से स्थापित की गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ साइट। धन्यवाद।